हाय फ्रेंड, चले आज हम आपको हुसनाबाद खूबसूरत वाटरफॉल पे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हुसैनाबाद वाटरफॉल में। ये एक छोटी सी वाटरफॉल है जो कि एक फोटोजेनिक वाटरफॉल भी कहलाते हैं। यहाँ से 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस पे स्कर्दो व्यू पॉइंट के नाम से बिल्कुल एक लश ग्रीन जगह से गुजरता हुआ टॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे एक फोर्ट हुआ करते थे पहले ज़माने में। वहाँ से आप पूरे स्कर्दो की व्यू देख सकते हैं। उसके राइट साइड में आप हुसैनाबाद नाला और मासूर रॉक का जहां ट्रैक स्टार्ट होती है वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके दाएं साइड आप सीधा जाएंगे तो 2 मिनट के वॉक पे इस पीछे के नाम से भी एक लश ग्रीन जगह है जहां से पूरे कोल डिजर्ट की व्यू और इंडस रिवर का आप बहुत खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और उसने बाद में आपके पास कंटीन वगैरह भी है यहां? बिल्कुल, अंदर चलेंगे तो आपको नज़र आएंगे यहां पे पूरा रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी है। और यहाँ पे छोटी सी सेटअप हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। इंशाल्लाह धीरे धीरे ये बढ़ते हुए आगे ये एक पार्क की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये साफ चश्मे का पानी भी आप लोग सामने देख रहे हैं जो कि पीने के लिए बहुत मुफीद और साफ सुथरी पानी मुयस्सर है। ये हमारे मेंबर्स हैं जो आगे जा रहे हैं, इनको हम हुसैनाबाद लेके जा रहे हैं वाटरफॉल। और इस साइड पे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, यहाँ से आपको पैदल। इस टाइम हम हुसैनाबाद आबशार में हैं। ये स्कर्दो सिटी के अंदर है, तकरीबन 5 किलोमीटर पे हुसैनाबाद का एक गांव है, इलाका है। इससे आप थोड़ा पैदल चलेंगे तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है छोटी सी। अगर आपके पास टाइम कम है, खूबसूरत जगह देखनी है तो वो हुसैनाबाद है। यहाँ पे आबशार है, चले आगे चल के आपको आबशार दिखाते हैं। बात और बता दूं, इसी हुसैनाबाद से हम ऊपर जाए तो जिसे मानसूर रोड कहते हैं, जो मैंने 2021 में एक रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है बगैर किसी चीज के स्पोर्ट के, 1 लाख पे मैंने फोटो बनाई हुई है जो आप देख रहे हैं। तो इससे ऊपर जाए तो ब्रोक आएगा, वहां तीन गाड़ी बाइक खड़ी करेंगे। उससे आगे आपका तकरीबन 3 घंटे का सफर है जो पैदल ट्रैक है और बहुत खूबसूरत वो मंसूर रोड है, लेकिन वहाँ हर बंदा जा नहीं सकता, जिसमें थोड़े विल पावर है वही जाता है। भाई के साथ हैं हम और हुसैनाबाद वाटरफॉल में हम बैठे हुए हैं। ये बड़ा खूबसूरत एक हॉट इन्होंने बनाया है। हम भाईजन से पूछेंगे कि यहाँ पे ये क्या क्या कुछ कर रहे हैं और क्या अभी मजीद इन्होंने करना है फिश वगैरह के लिए और खाने पीने के लिए, मजीद ये क्या इसके लिए कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है जी, आप यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले साल आया था उस टाइम एक छोटा सा एक सेटअप बना हुआ था, अब मजीद माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया, अभी मैं देख रहा हूँ काम भी हो रहा है। तो इसके हवाले से अभी आप मजीद और क्या करने वाले थे? मैं को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेहमानों की ख्वाहिश और उसके मुताबिक यहाँ पे तमाम चीज़ें कोशिश करूँगा अवेलेबल हो सके। खाने पीने में तमाम चीज़ें जो ट्रेडिशनल फूड है इंशाल्लाह यहाँ पे अवेलेबल होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पे फिश फार्म भी बनेंगे, यहाँ आके फिशिंग भी कर सकते हैं,
जो कि क्लाइंबिंग के शौकीन है वो सामने जाके क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम तमाम वो फैसिलिटीज देने में कोशिश करके बात करके और इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी है। ये हुसैनाबाद एक ऐसा इलाका है जो सिकरदों से तकरीबन तीन से चार किलोमीटर पे ये वाकई है और यहाँ पे दो तीन जो है व्यू पॉइंट है बहुत खूबसूरत, जैसे तकी भाई ने बताया और मैंने भी मंसूर रोड किया हुआ है, इसके अलावा एक दो उन्होंने और व्यू पॉइंट बताया, इंशाल्लाह वो आज हम करने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे ताकि आप जब हुसैनाबाद आए तो ये सारे व्यू आप करें। वाटरफॉल के करीब बैठे यहाँ इन्होंने हॉट बनाए हुए, यहाँ खाना चाय वगैरह हर चीज आपको मिलेगी जो आप कहेंगे वो माकूल, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की ये सकाफत है कि यहाँ के लोग बेईमान नहीं है और दूसरा कहते हैं फ्रॉड ही नहीं है, जो मकूल रेट है इंशाल्लाह यही आपसे लिया जाएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दे आज तक की वीडियो के लिए, हुसैनाबाद की जो खूबसूरत व्यू आपको मैंने दिखाया है, आप लाजमी अपने बच्चों के साथ यहाँ आए और थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारें।